हेलो गाइस, स्टार्ट करते अपना वीडियो। रेलटेल के बारे में हम बात करेंगे। अभी देखो, लास्ट के सेशन में, मतलब जो आखिरी 5 मिनट थे, उसमें रेलटेल में बहुत बढ़िया मूव आई थी अपवर्ड मोमेंट पे। आप देख सकते हो ये कैंडल 140 से सीधा 160 इसने हाई लगा दिया। 20 पॉइंट की मूवमेंट इसमें हो गई थी। अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रेलटेल में क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है, या ली तो स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, या जिन्होंने लेके रखा है उनके लिए भी स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। ये सब बातें हम इस वीडियो में देखने वाले। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी हम पहले देखते हैं न्यूज़ ये है कि रेलटेल इन टॉक्स विद यूनिवर्सिटीज, स्टेट गवर्नमेंट्स फोकसिंग ऑन ऑनलाइन इंफ्रा फॉर एजुकेशन सेक्टर, सेज CMD पुनीत चावला। तो ये न्यूज है 7 जून की, ठीक है। हम देखते हैं ट्रिगर्स क्या क्या है, कितने ट्रिगर्स इसमें आते हैं, वो ट्रिगर्स हम देखेंगे इसमें। तो पुनीत चावला, इनका कहना है कि ये इन टॉक्स विथ यूनिवर्सिटीज, स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन फोकसिंग ऑफ ऑनलाइन इंफ्रा। अभी रेलटेल का काम क्या है एक्चुअली, ये काम क्या करती है, पहले अगर हम इनका टोटल स्ट्रक्चर देखते हैं तो 4,907 करोड़ की ये कंपनी है। 26 का पी है, फेस वैल्यू 10 की है। और इनका देखो काम क्या है, मिनी रत्न कंपनी है। तो मिनी रत्न मतलब आप PSU, मतलब ये ही बोल सकते हो कि मोनोपोली बिजनेस ही है इनका। और PSU ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फोकसिंग ऑन प्रोवाइड ब्रॉडबैंड एंड VPN सर्विसेज। ब्रॉडबैंड VPN सर्विस प्रोवाइड का काम रेलटेल करती है। रेलटेल वॉज फॉर्मड इन 2000 विद ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग नेशन वाइड ब्रॉडबैंड टेलीकॉम एंड मल्टीमीडिया नेटवर्क। अभी देखो इनका मेन काम क्या है, यही नेटवर्क प्रोवाइड करना, और सबसे मेन बात सेफली सिस्टम ऑफ इंडियन रेलवेज, ट्रेन कंट्रोल ऑपरेशन और ये रेलवे के जो होते हैं इसमें रेलटेल है। अभी जो 5G आने वाला है, 5G स्पेक्ट्रम और बहुत सारी चीज़ें जो चल रही है, उसका आगे जाके भी बेनिफिशियरी रेलटेल हो सकता है। तो इसमें मैं कहूँगा एंट्री लेना अभी भी सेफ हो सकता है। अब देखो ये फिलहाल कंपनी कोई कर्जा नहीं, हेल्दी डिविडेंड पे आउट 35.69% है, ठीक है। कंपनी का प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी पे कर्जा है, तो ये प्रॉब्लम है कंपनी का। गवर्नमेंट कंपनी है। अभी देखो सेल्स हमें क्या चाहिए, सेल्स इंक्रीज चाहिए, 254 से बढ़ के 283 से बढ़ के 411। तो हमें ये पैरामीटर हमारा यहाँ पे मतलब सेटिस्फाई होता है कि हमें सेल्स इंक्रीज चाहिए। इसके साथ साथ हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 302 से 334, 334 से 361, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा। बैलेंस शीट में देखो, अभी सबसे मेन बात यहाँ इनका बैलेंस शीट, ये रिजर्व्स इंक्रीज करे जा रहे, 764 से 838, फिर 932, 968, फिर 1043। वहाँ पे इसके कंपेयर किया जाए तो इनके कर्जा कितना है, 43 करोड़ का। तो कंपनी पे कर्जा है, पर चाहे पर वो चाहे तो वो कम कर सकती है। अगर हम देखा जाए नेट कैश फ्लोज, तो 63 करोड़ के इनके पास नेट कैश फ्लोज है। कर्जा इन्होंने कम नहीं किया है, इसलिए 164 डेज वहाँ पे डेब्ट दिखा रहा था। अभी प्रमोटर के पास देखो 72.84% प्रमोटर के पास है। FI इसमें 3% होल्ड करते, DI 5.24% और पब्लिक के पास 18.90% स्टेक है। तो अगर मैं ये देखता हूँ कंपनी के स्ट्रक्चर, तो देखो नेगेटिव बात क्या दिखी मुझे, सिर्फ और सिर्फ कि कंपनी हैज हाई डेबिटर्स ऑफ 164 डेज, ये एक ही नेगेटिव बात देखी। कंपनी डिविडेंड देती है, हेल्दी डिविडेंड पे आउट है, डेट फ्री है, सिर्फ कर्जा है, डेट फ्री है, पर डेबिट डेज जो है वो 164 डेज है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये पहले समझ लो। अभी देखे तो 50 DMA 200 DMA की ये ऊपर ट्रेड कर रही है। न्यूज हमने पहली तो न्यूज देखी, दूसरी न्यूज बाय रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टारगेट प्राइस ₹160 ICICI सिक्योरिटीज। ICICI सिक्योरिटीज ने क्या क्या था 160 के टारगेट के लिए। आज देखा जाए तो इनका टारगेट आज ही के दिन में 160 आ गया। शेयर में 10% की रैली आई, यहाँ आप देख सकते हो 10% आज शेयर मूव हुआ। और अभी देख सकते हो
16,53,000 शेयर ऐसे हैं कि जो 153 के लेवल पे बाइंग के लिए खड़े हैं। तो बाइंग तो बहुत ज्यादा लगी। आईसीआईसी सिक्योरिटीज ने जो 160 टारगेट दिया था उसके तो ऊपर पक्का ये चला जाएगा अभी। और अगर देखा जाए इनका, ये देखो फाइनेंशियल में, फॉर क्वार्टर एंडेड मार्च की 31/12/2020 द कंपनी रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड टोटल इनकम ऑफ 417 करोड़, अप 42.86% फ्रॉम लास्ट क्वार्टर, और टोटल इनकम ऑफ 292.45 करोड़। तो इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकम बढ़ा, मतलब रेवेन्यू बढ़ा, वाईओवाई बढ़ा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 69 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में इनको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है। प्रमोटर एंड एफआई होल्डिंग, प्रमोटर हेल्ड 72.9% स्टेक इन कंपनी एज मार्च 2021, वाइल एफआई हेल्ड 3%, डीआईएस 5.2% एंड पब्लिक होल्ड 18.90%। तो ये तो चलो, ये तो बातें हमने देख ली थी। अभी देखेंगे और एक न्यूज। न्यूज ये है कि रेलटेल कॉरपोरेशन बैग्स 120 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम भारत कोकिंग कोल। रेलटेल को यहां से भी 120 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये न्यूज है 4 जून 2021 की। तो देखो कितनी न्यूज देखी हमने, ये वीडियो में तीन न्यूज देखी अभी तक, 4 जून, 7 जून, 8 जून। तो ये भी इनका एक पॉजिटिव बात है कि इनको स्टेट ओन्ड रेलटेल कॉरपोरेशन फ्राइडे सेड इट हैज बैग्ड रुपीज 120 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। तो ये ऑर्डर का भी आपको आने वाले रिजल्ट में इनके जो मार्जिन्स बढ़े वो बढ़े हुए दिखेंगे ये ऑर्डर की वजह से। अभी हम देखते हैं आज के दिन अगर एनएससी पे देखा जाए टोटल, तो बहुत ज्यादा ट्रेड हुआ है। 2 करोड़ 64 लाख, 2 करोड़ 64 लाख शेयर का टोटल ट्रेड होता है। उसमें से डिलीवरी कम हुई है, एक्चुअली देखा जाए तो 24% डिलीवरी, पर फिर भी 65,35,755 शेयर्स ऐसे हैं कि जो डिलीवरी में उठाए गए हैं। तो क्वांटिटी कम नहीं है, 65 लाख भी बहुत ज्यादा है। अभी हम देखते हैं चार्ट पे एनालिसिस। अभी किसी को न्यू एंट्री करनी होगी तो देखो, अगर ये शेयर आपको थोड़ा नीचे मिल जाए, समझ लो 147 के आसपास मिल जाए या 144 के आसपास मिल जाए, तो एंट्री लेवल परफेक्ट होगी और तब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 118 का। जिन्होंने एंट्री लेके रखी है, समझो जिसने भी रेलटेल यहाँ पे बाय किया है ये जोन में, ये ब्रेकआउट के बाद जिन्होंने भी शेयर बाय किया है उन्होंने स्टॉप लॉस रखना है 118 रुपीज का स्टॉप लॉस रखना है। इसमें हमारा पहला टारगेट होगा 190 का। ये 190 इसका ऑल टाइम हाई था, तो इसके आसपास ये पहले जाएगा। 190 आने के बाद वहां पे हम रिव्यू लेंगे और फिर टारगेट डिसाइड करेंगे। फिलहाल हमारा टारगेट इसमें 190 का है। मार्केट में हर गिरावट में रेलटेल आपको खरीदना चाहिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है। तो ये रहा अपना ओवरऑल एनालिसिस रेलटेल पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड एंड